हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, मैं ओवरऑल हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर हरियाणा जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों हरियाणा में डेली किसी न किसी जिले के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर, किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको भी पता है डिसरेट जॉब निकल कर आती रहती है। अगर आपको डिसरेट जॉब पर लगना है, डिसरेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या भर्ती चल रही है, टोटल पोस्टें कितनी है, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डिसरेट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरे हरियाणा में अगर एक पोस्ट का भी अपडेट आता है कहीं से भी तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डिसरेट जॉब्स के रिगार्डिंग हरियाणा का। तो एक चीज बता देता हूं, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी ऐसे ऐसे विभाग हैं जिसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, बिना पेपर सिलेक्शन होता है। अगर आप दिल्ली के अंदर भी जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर भी जॉब कर सकते हैं कोई भी मेरा भाई और बहन, तो उनके लिए भी न्यू नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो वहां पर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर सीधी मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं, कोई भी यूट्यूबर से ये सारी चीजें नहीं बताता। तो मेरे भाई और बहन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका छोटा भाई ग्राउंड में आ चुका है। इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली आपके बीच में लेकर आता रहता है, पूरे हरियाणा के एक भी अपडेट आपका छूटने वाला नहीं। क्योंकि अगर मेरी बहन कोई भी चैनल पर पहली बार आई है, अगर वीडियो देख रही है, तो उनको बता दूं आंगनवाड़ी विभाग में इतनी भर्ती आती है, बहुत ज्यादा भर्ती आते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी विभाग में भर्ती करना जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से नोटिफिकेशन पा सकती है। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज हुआ और अपने हॉस्पिटल हुए, इस टाइप की ऑफिस वर्क आते हैं महिलाओं के लिए। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को देख रही है तो बिल्कुल आसानी से डिसरेट जॉब पर लग सकती है। अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार इस चैनल पर आए, तो उनके लिए तो बंपर वैकेंसी डेली आती रहती है, किसी ना किसी जिले में डेली आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में डिसरेट जॉब देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है पिछले एक दो साल से हरियाणा गवर्नमेंट ने सरकारी जो नौकरियां थी उस पर रोक लगा रखी है, कोई भी सरकारी नौकरियां है वो निकल कर नहीं आ रही, कोई भी पेपर फॉर्म कुछ भी नहीं आ रहा। तो सभी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय की जरूरत होती है, मान के चलो हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, जहां पर एम्प्लॉय की जरूरत होती है वहां पर डिसरेट जॉब के तहत एम्प्लॉय की जो वहां पर है नौकरियां मिल रही है। बार बार मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, जहां पर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय की जरूरत है वहां पर डिसरेट तहत के तहत वहां पर जॉब आपको मिल सकती है बिल्कुल आसान से। रेगुलर पिछली दो तीन साल से हर डिपार्टमेंट में डिसरेट जॉब रेगुलर चल रही है। हमारे चैनल से हजारों की संख्या में बच्चे आज के दिन डिसरेट जॉब सिलेक्टेड है। तो मेरे भाई और बहन आपको भी बिल्कुल आसानी से डिसरेट जॉब मिल सकती है, पूरे हरियाणा से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। अगर आपको डिसरेट जॉब चाहिए तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अभी की अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जो भी डिसरेट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट आएगा आपको सीधा देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी आप हो सकते हैं। वहां पर भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सभी को, तो बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, हमारी जो टीम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारी बेसिक चीजें आपको भी बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेरा भाई और बहन कोई भी चैनल पर पहली बार आता है उसको पूरा हम गाइड करते हैं किस टाइप से क्या मटेरियल मिलेगा इस चैनल पर। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती है, बढ़िया कंटेंट लगता है, कुछ ना कुछ न्यू चीजें आप सभी के बीच में पता चलती है, तो वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आज का हमारी वीडियो क्या रहने वाले, डिसरेट जॉब आ गई बहुत ही बड़ी, 11 जिलों के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भर्ती होने वाले, जिसमें 10वीं पास मेरा भाई और बहन कोई भी है वो सारे सिलेक्टेड हो पाएंगे। अगर मेरा भाई और बहन किसी ने भी 10वीं पास कर रखी है, अगर उसको डिसरेट जॉब पर लगना तो बिल्कुल आसानी से लग सकता है। किस टाइप से क्या प्रोसेस होगा, कहां कहां पर भर्ती आई है, कौन कौन से कॉलेज में आई है, पूरा आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरे हरियाणा से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को डिटेल वाइज देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सस्पेंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, एक बार पूरा डिटेल वाइज बता देता हूं, आप वीडियो पर बने रहें। ओके मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, पहले मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, भिवानी जिले की, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, इसकी वैकेंसी, इस कॉलेज में वैकेंसी आ चुकी है। बिट्स कॉलेज की वैकेंसी भिवानी के अंदर जारी हो चुकी है, 2022 का रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी हो चुका है, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। जिसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी वो 21 मई से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट आपकी 11 जून रहने वाली है, एग्जाम डेट अभी अपडेटेड सून है। एग्जाम डेट का मतलब है कि इंटरव्यू डेट, यहाँ पर ओनली इंटरव्यू होगा, कोई भी इसमें एग्जाम होने वाला नहीं है। मैं
आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल वाइज बताऊंगा। आपकी लास्ट डेट 11 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से सारी चीजें आपको अप्लाई करने की मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं, आपकी एक भी पैसा लगने वाला नहीं है, ₹0 आपकी एप्लीकेशन फी लगेगी, क्योंकि डिसीरेट जॉब की रिगार्डिंग आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। कहीं पर भी डिसीरेट जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको एक फॉर्म के लिए भी एक भी पैसा कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें रहती है डिसीरेट जॉब के रिगार्डिंग। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा भाई आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे रेडी रहता है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके हेल्प की जरूरत है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी अपनी हेल्प के रिगार्डिंग कोई भी हो पूछ सकते हैं। ओके, एज लिमिट की मैं बात करूं, आपकी एज 18 से लेकर 42 साल के जो भी मेरे भाई और बहन सभी इसके लिए एलिजिबल है। ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से एज रिलेशन की भी आप वहां पर छूट के लिए चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टर कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टर 91 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टर रहने वाली है, क्योंकि मेरे भाई और बहन मैंने आपको बता दिया था इस महीने की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। 91 इसमें डिसीरेट तहत भर्तियां होने वाली है, 191 टोटल पोस्टें हैं मेरे भाई और बहन, बहुत ही बढ़िया पोस्टें हैं। कोई भी मेरा भाई इसमें लगना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से लग सकता है। किस टाइप से क्या प्रोसेस होगा इसमें मैं आपको पूरा एक बार बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती होगी। पहली बात तो टीचिंग स्टाफ की भर्ती है, सुन लेना, टीचिंग स्टाफ की आपके हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का, जहां पर डायरेक्टर प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंसेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रीशियन मान के चलो जो इसने बीटेक वगैरह कर रखी है उनके यहां पर टीचिंग के रिगार्डिंग मैकेनिकल हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया कम्युनिकेशन जिसने कंप्यूटर साइंस से भी यहां पर कुछ डिग्रियां ले रखी हैं ग्रेजुएट वगैरह पास है वो बिल्कुल आसानी से लग सकता है। इसके आगे मैं नॉन टीचिंग की बात करूंगा, क्योंकि नॉन टीचिंग में बहुत ज्यादा पोस्ट है, लाइब्रेरियन की होगी टेक्नीशियन की होगी रजिस्ट्रार की होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की होगी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हो गया 2 पोस्टें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, इसमें सारे ये 10वीं पास वाले होते हैं। तो मेरे भाई और बहन मैं आपको साफ साफ बता दूं, कलर्क की पोस्टें हो गई आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, पीएन की हो गई, सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार, ये सब 10वीं पास की पोस्टें होते हैं मेरे भाई और बहन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की ये भर्ती होने वाली है, अगर कोई भी इसमें 10वीं पास है तो बिल्कुल आसानी से इस जॉब को पा सकता है। इसमें मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका किस टाइप का क्या प्रोसेस होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको चेक करनी होगी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 10वीं प्लस में ग्रेजुएट और पोस्ट वाइज इसमें एमडीयू रूल्स के हिसाब से आपकी भर्ती होगी। 10वीं तो मिनिमम आपका पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी मान के चलो पीएन हुआ, सफाई कर्मचारी, इसमें अलग अलग पोस्टें दे रखी हैं, लैब अटेंडेंट, ये सारी 10वीं पास पर है। नॉन टीचिंग की जो ज्यादातर पोस्ट है वो 10वीं 12वीं पास पर है, और टीचिंग की जो पोस्टें होंगी वो सारी ग्रेजुएट पास पर होंगी। अगर मेरा भाई और बहन कोई ग्रेजुएट पास पर अप्लाई करता है तो वो टीचिंग में जा सकता है, नॉन टीचिंग में अगर मान के चलो 10वीं 12वीं पास है वो तो नॉन टीचिंग की वहां पर जमा कर सकता है। बीट्स कॉलेज है भिवानी के अंदर है, भिवानी टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, इस कॉलेज में आपको भर्ती देखने को मिल रही है। 91 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, वहां पर आपको अपने आसानी से जॉब मिल सकती है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई के लिए आपको किस टाइप से क्या प्रोसेस, इसमें आपको बिल्कुल डिटेल वाइज बता दूं। ऑफलाइन तो फॉर्म रहने वाला है, हरियाणा के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना, पूरे फॉर्म को साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से फिल करना, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने फॉर्म के साथ, बाहर लिफाफे में एप्लीकेशन फॉर द किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना होगा, वहां पर लिखने के बाद आपको किस एड्रेस पर भेजना होगा ये सबसे बड़ी बात है। एड्रेस मेन चीज होती है, बाई हैंड भी जाके जमा करवा सकते हैं अगर पास से, या बाई पोस्ट के द्वारा भी आप वहां पर जमा करवा सकते हैं। जहां चेयरमैन भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जो सहरसा गगोई रोड है भिवानी के अंदर 127021, इस एड्रेस पर आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, और एक कॉपी अपने सारी सबमिटेड जो एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी है वहां पर भी आपको डीसीडी जो कॉलेज है उसमें आपको जमा करवाना होगी, डीसी जहां पर एमडीयू रोहतक हरियाणा के अंदर है वहां पर भी एक एक कॉपी सारे डॉक्यूमेंट की वहां पर भी जमा करवानी होगी। दोनों जगह आपको फॉर्म सबमिट करवाना होगा तभी आपका फाइनल सबमिट फॉर्म माना जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको बीट्स कॉलेज के अंदर पहले वहां पर जमा करवाना होगा, वहां से आपको एमडीयू के रिगार्डिंग जो भी नोटिस होगा वो वहां पर पूछ के वहां से आगे आपको प्रोसेस मिल जाएगा। बीट्स कॉलेज की जो पोस्ट वाइज आपको सैलरी मिलने वाली है एमडीयू रूल्स के हिसाब से, जो एमडीयू के अंदर जो यूनिवर्सिटी में जो सैलरी मिलती है वही आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, एमडीयू रूल्स के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, आपका सिलेक्शन किस टाइप से होने वाला है, ओनली इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जाम होगी। तीनों चीजें होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। मेरा भाई और बहन अगर कोई भी इसमें जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आसानी से वहां पर जॉब आपको
देखने को मिल जाएगी। नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों स्टाफ के अंदर 91 नंबर वो पोस्टों पर ये भर्ती होने वाले। सबसे अच्छी पोस्ट है, अगर कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्वालिफाई कर लेता है, बिल्कुल आसानी से आप वहां पर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे। आपको पता है 10वीं 12वीं पास वालों का क्या इंटरव्यू होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, तो बिल्कुल आसानी से आप वहां पर जॉब को क्वालिफाई कर सकते हो। किसी भी को भी ये पूरी वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपके भाई का नोटिफिकेशन बढ़िया लगा हो छोटा, तो छोटे भाई की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन भी आपके जिले, आपके शहर, आपके गाँव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर न्यू अपडेट्स यहाँ पर डीसी रेट जॉब्स के रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको डीसी रेट जॉब चाहिए, डीसी रेट जॉब में किस टाइप से क्या प्रोसेस होता है आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा ऐसे ही, तो आपको न्यू अपडेट्स इसी टाइप से मिलते रहेंगे। अगर आपको डीसी रेट जॉब चाहिए तो मेरे भाई और बहन थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है। अपडेट रहने का मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप उस चीज को चेक करें, चेक करने के बाद आपको लगता है कि मेरे इलाके का है, मेरे जिले का है, मेरे गांव का है, अगर मैं वहां पर डिसरेट जॉब करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आसानी से उसी टाइम उस अपडेट को चेक करते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो उस फॉर्म को, तो तुरंत उसी टाइम उस फॉर्म को अप्लाई करने में लग जाया करो, क्योंकि आपको भी पता है डिसरेट जॉब बहुत कम मात्रा में पोस्ट आते हैं। जो वहां पर कैंडिडेट पहले से काम करते रहते हैं वो अपने ही कैंडिडेट वहां पर लगवाने की सोचते हैं। तो मेरे भाई और बहन, हमारे चैनल से लोगों ने मेहनत करके थोड़ा सा अपडेट रहेगी, हजारों की संख्या में बच्चे आज के दिन डिसरेट जॉब पर लग चुके हैं। अगर आपको भी डिसरेट जॉब पर लगना है तो थोड़ा सा अपडेट रहने की जरूरत है, ओनली आपको फॉर्म भरना है, कहीं पर भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, सारी चीजें आपको फ्री में देखने को मिलेगी, बिल्कुल आसानी से आपको डिसरेट जॉब देखने को मिल सकती है, बिल्कुल आसानी से आपको डिसरेट जॉब मिलेगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको डिसरेट जॉब मिलती है तो बिल्कुल आसानी से आपको न्यू अपडेट वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको न्यू अपडेट डेली देखने को मिलते रहेंगे डिसरेट जॉब्स के लिए। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, अगर पहली बार कोई भी चैनल पर आया, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट्स पूरे हरियाणा के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको भी आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जो भी अपडेट आता है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में क्या भर्ती चल रही है, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी होती है तो आपको बिल्कुल आसानी से डिसरेट जॉब मिल पाएगा। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।